हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 3, 5.4, 5.5, 5.6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 5.4 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल स्ट्रेट एंगल? राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द मीजर ऑफ राइट एंगल इज 90, स्ट्रेट एंगल होता है 180। द मीजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180। ट्रू फॉल्स। द मीजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, देखिए याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस जो बनाया था पीपीटी प्रीवियस चैप्टर का, उसमें बताया था एक्यूट ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, एक्यूट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 से कम होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, ट्रू। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90, फॉल्स। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा होता है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180, ट्रू। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा होता है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360, ट्रू। जब भी कहेगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी पूरा राउंड, तो वो 360 होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं एक एंगल एम ए 53, एम बी 35, तो कह रहा है एम ए इज़ ग्रेटर देन एम बी। एम ए इज़ ग्रेटर देन, एम ए ग्रेटर देन है यानी 53 बड़ा है 35 से, तो ये ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। हमें कुछ एक्यूट एंगल्स के नाम लिखना है। वो एक्यूट एंगल होता है 90 से कम, तो एक्यूट एंगल हमने 50, 65, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 50, 45, 58, 70। ठीक है, ये मैंने दो एग्जाम्पल ऐसे लिख दिए हैं। फिर अगर सम ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी हमें 90 से ज़्यादा लिखना है, तो हमने 110, 175, आप 120, 160 जो चाहिए लिख सकते हैं। मीजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मीजर। आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करके पता करना है एंगल्स क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या है एंगल, ये है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है। सेकेंड द मीज़र ऑफ एंगल, ये 120 है। देखिए, ये 90 होता है ऐसे, ये 90 से ज़्यादा है, ये 120 है। ठीक है, द मीज़र ऑफ एंगल इज 90, ये देखिए ये 90 है। जो भी दो लाइन परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, दो लाइन ऐसी हों तो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये 90 डिग्री। द मीज़र ऑफ एन एंगल 60, 90 और 130। इसमें देखिए, ये 90 है, ठीक है, ये 130 है, ठीक है, और ये 60 है। ठीक है, ये तीन एंगल हो गए। नेक्स्ट में है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर फर्स्ट एस्टिमेट एंड द मेजर। द मेजर ऑफ एंगल, ये हम 40 डिग्री है। ठीक है, ये आप मेजर करेंगे जब भी प्रोटेक्टर से, तो ये 40 डिग्री है। मेजर ऑफ एन एंगल बी, ये 68 डिग्री है। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सा बड़ा है, तो 68 बड़ा है, तो हमने लिख दिया एंगल बी हैज़ अ लार्ज मेजर देन एंगल ए। सिक्स में कह रहा है, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्ज मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाई मेजरिंग देम। मेजर करके हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। ये हमारा 45 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल सेकेंड वाला जो है ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। देखिए, जो राइट एंगल से लेस कह रहा है, तो यानी एक्यूट एंगल हो गया। फिर सेकंड कह रहा है एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन, यानी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, 90 से ग्रेटर ऑब्ट्यूस, 90 से लेस एक्यूट। सी, एन एंगल हुज मेजर सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फिर कह रहा है वेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, कह रहा है वेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, यानी दो एंगल को मेजर करें तो वो राइट एंगल आए, यानी 90 डिग्री आए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट। एक्यूट 90 या 90 से कम। ठीक है, वेन द सम ऑफ दीज मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, यानी ये ऑब्ट्यूस जाएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन फिगर फॉर एस्टिमेट, हमें पता करके बताना है देख के। ये 40 डिग्री लग रहा है, कह रहा है फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर से जब हम देखेंगे ये 40 डिग्री आएगा, ये 130 आएगा। देखिए, ये 90 होता है ना, ये 90 से ज़्यादा, ये 130 है, ये 65 डिग्री है। जब ये मेजर करेंगे तो ये 135 है। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर।
ये देखिए 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये स्ट्रेट है एकदम 180 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर एंगल मिरर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखें फिगर को, डज द एंगल बिकम्स लार्जर, क्या एंगल लार्जर होता है। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या साइज चेंज होता है। तो देखिए आंसर है द मेजर ऑफ एंगल विल नॉट चेंज बाय व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। भाई कोई भी फिगर है उसको हम डायरेक्ट आइज से देखें, ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो इमेज तो बड़ी होगी, ठीक है, इमेज बड़ी होगी, बट एंगल नहीं, 30 है, 30 से 60 या 90 नहीं हो जाएगा, इमेज बड़ी हो जाएगी बस, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। 11 में कह रहा है मेजर एंड द क्लासीफाई विच एंगल, पहले कह रहा है ए ओ बी, हमेशा याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग भी प्रीवियस चैप्टर जो एक्सरसाइजेस थी उसमें बताया था, ए ओ बी का मतलब होता है बीच वाला एंगल, यानी ए कहाँ है इसमें, ए ओ बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ए ओ बी हमारा है 40 डिग्री। फिर सेकंड है ए ओ सी, ए ओ सी यानी ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल, ये कितना है 125, ये क्या हुआ ऑब्ट्यूस, 40 डिग्री एक्यूट हुआ क्योंकि 90 से कम, 125 ऑब्ट्यूस। अब कह रहा है तीसरा बी ओ सी, बी ओ सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी ओ सी के बीच, तो ये क्या होगा 85 डिग्री एक्यूट, ये भी 90 से कम है। फिर कह रहा है डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये होगा 95 डिग्री, ये हो गया ऑब्ट्यूस। फिर है डी ओ ए, डी ओ ए ये वाला एंगल, ये हो गया 140 डिग्री ऑब्ट्यूस। फिर कह रहा है डी ओ बी यानी ये पूरा एंगल, डी ओ बी का मतलब ये पूरा एंगल, ये हो गया 180, देखिए ये स्ट्रेट है तो ये हो गया 180 डिग्री स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब वही होता है कि 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, अगर इसके हिसाब से परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। द लाइन्स ऑफ द रेलवे ट्रैक, द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा होगा तो वो लाइन्स जो होती हैं कैसी होती हैं, पैरेलल होती ना आपस में, जैसे हमारा स्केल होता है मेजर करने का, पैरेलल लाइन्स होती हैं, पैरेलल लाइन्स का मतलब है आमने सामने की लाइन, ठीक है, एक लाइन यहाँ हो एक लाइन यहाँ हो तो वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, ऐसे ही आपके रेलवे के ट्रैक्स होते हैं। थर्ड क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, अब देखिए एल का जो लेटर है एक लाइन स्ट्रेट है ऊपर, एक लाइन मतलब एक हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट है और एक वर्टिकल में स्ट्रेट है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बन रहा होगा। द लेटर वी, इसमें अगर हम देखें दो लाइन, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही, तो हमने क्या लिखा, द लाइन्स ऑफ लेटर वी इंक्लाइंड फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल, इंक्लाइंड हो रही है और कौन सा एंगल बनाएंगे एक्यूट। देयर फोर ए एंड सी आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, ए में देखिए परपेंडिकुलर लाइन थी और सी में भी परपेंडिकुलर लाइन्स थी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, वॉट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई। अब देखिए पी ए वाई एंगल यानी ए एंगल की बात हो रही, पी ए वाई ये देखिए मैंने एरो बनाया यानी ये एंगल की बात हो रही, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, क्यों, ये और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन, देर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। अब आप अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा उसमें सेट ऑफ स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उनको निकाल के देखिएगा, उसमें देखिए पहले में या मैंने लिखा था मेजर ऑफ एंगल इज वन सेट स्क्वायर, एक में एंगल होते हैं 30, 60, 90, ठीक है, दूसरा सेट स्क्वायर आप निकालिएगा उसमें चेक करिएगा 45, 45 एंड 90। अब कॉमन पूछ रहा है दोनों में क्या है, 90 डिग्री कॉमन है, तो मैंने लिख दिया यस द मेजर ऑफ एंगल 90 इज कॉमन इन बिटवीन देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है, एक ये एल लाइन है हमारी, ये एम परपेंडिकुलर है, ठीक है,
फर्स्ट कह रहा है क्या सी ई इक्वल टू ई जी, सी ई ई जी के इक्वल है? मैंने लिखा है यस, क्योंकि सी ई इक्वल टू 2 यूनिट्स। देख लीजिए, सी से ई तक हम जाएंगे तो 2 यूनिट्स हो गए, 3 से 4, 4 से 5, यानी 2 यूनिट्स हुआ। और ई जी की भी 2 यूनिट्स है, ई से एफ, एफ से जी, तो दोनों इक्वल हुआ, तो ये सही है, तभी मैंने यहाँ लिखा है यस। बी में कह रहा है डस पी ई बाइसेक्ट सी जी, पी ई पहले देखिए कहाँ है, पी ई कह रहा है क्या पी ई बाइसेक्ट कर रहा है सी जी को? यस कर रहा है। कैसे कर रहा है? अब देखिए सी ई इक्वल टू ई जी, क्योंकि सी ई सी से ई तक गए और ई से जी तक गए, दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है एज बोथ ऑफ 2 यूनिट्स, सी से ई तक भी 2 यूनिट्स है, ई से जी तक भी 2 यूनिट्स, तो ये दोनों जब भी इक्वल होंगे तो यानी ये एक दूसरे को बाइसेक करेंगी, बाइसेक मतलब एक दूसरे को काटना, ठीक है? तो ये भी यस हो गया। सी क्या है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ दो लाइन सेगमेंट बताना है और पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। सी देख लिए, सी में मैंने लिखा है बी एच एंड डी एफ आर द लाइन सेगमेंट, बी एच, बी और एच, यहाँ तक बी से एच तक, एंड डी एफ एंड डी से एफ तक, ये लाइन सेगमेंट्स हैं जिसमें पी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसमें पी ई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, आर दीज ट्रू, क्या ये ट्रू है? फर्स्ट है ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, अब हमें निकालना पड़ेगा, हमने लिख लिया है ट्रू। अब ट्रू कैसे है, ए सी हम देखेंगे कितना बड़ा, ए से सी तक 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, एफ जी हमारा 1 यूनिट है, एफ जी हाँ 1 यूनिट है, तो इसलिए मैंने लिख लिया सिंस ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ठीक है। सेकेंड कह रहा है सी डी इक्वल टू जी एच, क्या सी डी इक्वल टू जी एच है? आप देख लीजिए सी डी 1 यूनिट है, ठीक है, जी एच भी 1 यूनिट है, यहाँ देखिए लिख लिया मैंने ट्रू बिकॉज बोथ आर ऑफ 1 यूनिट, इसलिए राइट है। थर्ड क्या है, बी सी इज लेस देन ई एच, सबसे पहले बी सी चेक करें, बी सी भी 1 यूनिट है और ई एच 2 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, ठीक है, तो ये बी सी इज लेस देन ई एच, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, हमें ट्राइंगल्स के टाइप बताना है। देखिए जो भी ट्राइंगल के अलग अलग साइड होंगी, जैसे फर्स्ट हमारा दिया है ए बी इक्वल टू 8.7, ए सी 7, बी सी 6, देखिए तीन टाइप के एंगल ट्राइंगल याद कर लिए, स्केलिन ट्राइंगल, इसके तीनों साइड्स अलग अलग होंगे, जैसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, सेकेंड वाला क्या है बी, नहीं फर्स्ट वाला ये था 7 सेंटीमीटर, 8 और 9, तीनों जिसके अलग होंगे वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। बी में भी 8.7, 7 और 6, ये भी स्केलिन ट्रायंगल है। एक सी जो है हमारा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो कहलाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल। डी में है डी ई एफ विद एम डी, एंगल डी 90 डिग्री, 90 डिग्री जब भी आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ई में है एक्स वाई जेड कोई ट्राइंगल, इसमें वाई 90 है और एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, यानी एक एंगल 90 है और दो साइड इक्वल है, यानी ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है। अब देखिए राइट एंगल इसलिए हुआ क्योंकि 90 डिग्री दिया और दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल होंगी तो आइसोसेलस, और राइट एंगल ट्राइंगल तो 90, इसमें दोनों है, राइट एंगल भी है आइसोसेलस ट्राइंगल है। लास्ट है हमारा एल 30 है, एम 70 है, एन 80 है। अब देखिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये कैसे है? हमें पता चल गया कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल की क्योंकि डेफिनेशन है कि हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा, इसमें देखिए ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है, तो ये हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा राइट एंगल ट्राइंगल में 90 होता है, इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग होती हैं, और आइसोसेलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अभी मैंने बताया था तीनों साइड इक्वल हों तो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैंने लिख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू साइड्स यानी आइसोसेलस ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट स्केलिन ट्रायंगल, फोर्थ क्या कह रहा है थ्री एक्यूट एंगल यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बोलेगा या 90 डिग्री दे देगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सिक्स में वन ऑब्ट्यूस एंगल यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये तो नाम जो है वही ट्राइंगल हो जाएगा। फिर कह रहा है वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अब देखिए वन राइट एंगल यानी
राइट एंगल तो होगा और टू साइड इक्वल यानी आइसोसेलेस होगा, तो मैंने लिख दिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे का नेम इज द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। हम नेचर बताना मतलब वही कि कौन सा ट्राइंगल। अब देखिए मैंने ये फर्स्ट देखा, इसमें हमें दिख रहा है कि तीनों साइड्स नहीं दो साइड इक्वल हैं, तो मैंने लिख और एक्यूट भी है, तो एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सेकेंड में क्या है 8, 15, 17। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, तीनों साइड इक्वल नहीं है बट ये 90 डिग्री राइट एंगल तो है ही, तो हमने लिख दिया राइट एंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड अलग हैं। थर्ड में ऑब्ट्यूज क्योंकि 90 से ज़्यादा है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं, देखिए दो साइड इक्वल हैं। डी में क्या है, राइट एंगल दिख रहा है, दो साइड इक्वल दिख रही हैं, तो राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ई में तीनों साइड इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लास्ट क्या है हमारा, तीनों साइड्स इक्वल नहीं हैं बट ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्यूट 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, राइट एंगल ट्रायंगल 90, एस्केलेन ट्रायंगल तीनों साइड अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगी, फिर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल, अगर दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया, इसमें आप करके देखिएगा घर पे, कह रहा है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, मैच स्टिक्स लेना है आपको यानी माचिस लेना है, और उसके बाद उसकी तीन तीलियां आपको लेना है और उससे ट्राइंगल बना के देखना है, 4 से बनाना, 5 से, 6 से। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रीवियस जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के अलावा भी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये समझ लिए आपके 6 क्लास के तो हैं ही हैं, बाकी हमने इसमें कुछ पार्ट ऐसा भी दिया है जो कंपटीशन लेवल का है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है या किसी चीज़ के बारे में, कोई ट्राइंगल, मैथ्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसके आंसर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।